हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्यूब टेक मैं वीरेंद्र हाउ टू राइट प्रोडक्ट रिव्यूज प्रोडक्ट रिव्यूज जो होते हैं वो कैसे लिखना है स्पेशली जो अफिलेट मार्केटिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं जो प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते हैं या फिर किसी भी टाइप के जैसे बुक रिव्यूज लिख रहे हैं मूवीज के रिव्यू लिख रहे हैं कोई स्पेसिफिक मोबाइल फोन के रिव्यूज लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखने हैं आपको और किस इन्फ्लुएंसर की तरह आपको स्टेबलिश कैसे करना है जो प्रोडक्ट जैसे अफिलेट मार्केटिंग में कमीशन ज्यादा से ज्यादा है तो वैसा प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लिखना है किस किस टाइप के लिख, लिख सकते हैं रिव्यूज वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं आज तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि प्रोडक्ट रिव्यूज लिखने क्यों होते हैं फर्स्ट है कि अफिलेट कमीशन जैसे अफिलेट मार्केटिंग कुछ लोग करते हैं मतलब जो ब्लॉगर्स होते हैं मोस्टली अफिलेट कमीशन अर्न करना चाहते हैं जैसे कि समझ लीजिए कि कोई ब्लू होस्ट की वेबसाइट है ब्लू होस्ट की वेबसाइट क्या करती है उनका एक अफिलेट प्रोग्राम है तो जो वो वहाँ पे वेब होस्टिंग सर्विसेज देती है जैसे कि वर्ड प्रेस होस्टिंग शेड होस्टिंग वीपीएस वगैरह तो जैसे उनके आप अफिलेट बन गए और उनकी समझ लीजिए आपने वर्ड प्रेस होस्टिंग को अपने वेबसाइट पे प्रमोट किया तो वहाँ आपकी वेबसाइट के थ्रू किसी ने अगर क्लिक करके वहाँ से सर्विसेज परचेज़ किए तो आपको उस उस कॉस्ट का कुछ कमीशन मिलता है तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट को रिव्यूज लिखने पड़ते हैं जैसे समझिए आपने उनकी वर्ड प्रेस होस्टिंग का रिव्यू लिख दिया और आपका रिव्यू देख कर किसी ने परचेज कर लिया तो आपको कुछ कमीशन मिल जाता है तो आप और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है उनको प्रमोट करने के लिए जैसे कि आपने कोई बुक पढ़ी और किसी ऑथर ने आपको कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारी बुक पढ़ो और रिव्यू करो आप बुक ब्लॉगर हैं मान लीजिए तो वो आपको उसमें अफिलेट कमीशन नहीं हो रहा लेकिन आपको समझ ली उन्होंने कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे किया कि आप हमारा बुक रिव्यू करो और आई एल पे यू दिस देन आपने उनका प्रमोट किया और वहाँ से आपको प्रोडक्ट रिव्यू का कमीशन मिल गया या फिर पेमेंट मिल गया देन प्रोवाइड वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन आप कुछ ऑनेस्ट फीडबैक करते हैं शेयर जैसे कि समझ ली आपने मूवी देखी कोई और आप चाहते हैं कि इस मूवी का मैं रिव्यू शेयर करूं अपने ऑडियंस के साथ कोई प्रोडक्ट यूज़ किया आपने तो आप चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट का चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है समझिए आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया आप चाहते हैं कि दूसरे लोग जो परचेस कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो आपको हो गया है तो आप अच्छे से ऑनेस्ट रिव्यू लिख दिया आपने डिटेल में कि आपने कैसे परचेस किया और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा पूरा बता दिया आपने डिटेल में तो आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर दी देन एक आप बिल्ड इन्फ्लुएंस मतलब आप जैसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर कर दिया तो आप लोग आपको जानने जानना शुरू हो जाते हैं कि ये पर्सन है स्पेसिफिक नीच में इस इन टॉपिक्स पे अच्छे से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको रिव्यू करता है तो आपका इन्फ्लुएंसर की तरह एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है देन पैसिव इनकम पैसिव इनकम कैसे होती है ब्लॉगिंग में कि जैसे समझ लीजिए आपने पंद्रह बीस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लिख रखे हैं बहुत मतलब कि दो साल पहले लिख रखे हैं और उनके थ्रू अभी तक सेल आ रही है तो आपकी पैसिव इनकम आपने एक कॉन्टेंट पैसे अच्छे से प्रोडक्ट रिव्यू लिखा और वो रैंक कर रहा है और लोग उनको पढ़ के कन्विंस हो रहे हैं और आप उनके थ्रू प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आपको उसका रेगुलर इनकम मिलता रहता है एक बार आपने कॉन्टेंट कर आप को कोई वो प्रोडक्ट जो देख रहे हैं परचेज करना चाहते हैं उसका रिव्यू देखना चाहते हैं है। उसको लोगों ने उस मॉडल का सर्च किया गूगल पे और रिव्यू में आपकी वेबसाइट आ गई ऊपर आपकी वेबसाइट को देखा तो आपकी वेबसाइट में ट्राफिक भी आ रहा है उससे तो प्रोडक्ट रिव्यूज किस किस टाइप के हो सकते हैं स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि आपने समझ ली कि लैपटॉप का रिव्यू लिख दिया एक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक है आप इसमें अलग अलग तरह के हो सकते हैं जैसे फर्स्ट क्या हो सकता है कंपैरिजन रिव्यूज़ कंपैरिजन में एक एग्जाम्पल एक देखते हैं और किस टाइप से होता है वो हम देखते हैं जैसे गोडेडी वर्सेज बिग रॉक तो दोनों वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं गोडेडी भी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में और ग्लोबली एंड बिग रॉक भी यही करती है तो समझ लिए दोनों शेयर होस्टिंग ले रहे हैं शेयर होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो यूज़र कहाँ से ले तो कंपेरिजन आपने दिखा दिया कि इन दोनों में क्या डिफ्रेंसेज है कॉस्ट uh, में क्या डिफरेंसेस है सर्विसेज क्वालिटी में क्या डिफरेंस है टाइम डाउन टाइम वेबसाइट का जो होता है सब कुछ इन्होंने फीचर्स वगैरह दिखा दिए कि शेयर के साथ और क्या क्या चीजें फीचर्स ये दे रहे हैं एस सर्टिफिकेट दे रहे कि नहीं दे रहे तो इन दोनों का कंपेरिजन वाला रिव्यू कर दिया ऐसे हम इस लिंक को ओपन करके कर देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से कंपेरिजन आर्टिकल लिखा है जैसे इन्होंने हेडिंग में लिख दिया कि देखते हैं कि कौन सा बेटर है इन दोनों सर्विस कंपनी में से तो इन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें कवर की कवर की है जैसे इन दोनों ने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कंपनीज का तो स्टार्ट इन्होंने किया कि पहले बिग रॉक का इंट्रोडक्शन दे दिया फिर गोडेडी का इंट्रोडक्शन दे दिया कि गोडेडी कब शुरू हुई इनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कहाँ पे इनके जैसे रीजनस वगैरह हैं या फिर इनके और क्या क्या बेनिफिट्स या फीचर्स जो भी हैं इनको कवर कर लिया इंट्रोडक्शन दे दिया देन फिर उन्होंने शुरू किया बिग रॉक एंड गोडेडी सर्वर अप टाइम तो पहले जो चीज़ डिस्कस की उन्होंने कि सर्वर अप टाइम कितना रहता आपकी वेबसाइट अगर आप लेते हैं तो अप टाइम कितना रहता है कि डाउन टाइम कितना रहता है उन दोनों का कंपेरिजन कर दिया गया गोडेडी का सर्विस अप टाइम क्या है और बिग बिग रॉक का सर्विस अप टाइम जैसे आपकी बड़ी वेबसाइट है जिसमें बहुत मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है तो आप चाहते हैं कि डाउन टाइम बहुत कम हो या फिर हो ही नहीं तो आप ये फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो उस टाइम आप कंपेरिजन ये आपने देख लिया देन सिक्योरिटी फीचर्स को भी डिस्कस कर लिया कि वेबसाइट में सिक्योरिटी फीचर्स में गोडीडी really क्या प्रोवाइड करता है होस्टिंग में और बिग रॉक क्या प्रोवाइड करता है देन वेबसाइट बिल्डर साथ में जब वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए क्या देते हैं बिल्डर में कौन कौन से ये फ्री में साथ में देते हैं होस्टिंग के साथ देन कंट्रोल सी पैनल जो मिलता है उसका क्या क्या फीचर्स ये देते हैं दोनों अलग अलग दोनों का है देन मनी बैक गारंटी समझ लीजिए कि कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आज देता है कि थर्टी डेज की मनी बैक गारंटी अगर थर्टी डेज आप यूज कर लो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है गुड एडी है कि नहीं देता है या फिर कितने दिन के लिए देता है दोनों में वो कंपेरिजन या दिखा दिया इन्होंने फिर सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट कैसा है इन दोनों का वो दिखा दिया देन सर्वर स्पीड विंडोज होस्टिंग सर्विसेज इन सब चीजों का फीचर्स और प्राइसिंग का भी कंपेरिजन दिखा दिया कि इनकी अगर टेन थाउजेंड की है तो गुड एडी की कितनी है तो इनका सर्विसेज को और सर्विसेज अलग जैसे कि वीपीएस होस्टिंग सर्विसेज है उनका कंपैरिजन दिखा दें कि इनकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है तो डिटेल में ये चीज़ें कंपैरिजन आर्टिकल में कवर कर ली है इन्होंने तो इस टाइप का एक रिव्यू था अब जैसे कि समझ लीजिए कि आपने ये प्रोडक्ट रिव्यू लिखा और आपके ऑडियंस में कुछ लोग हैं वो गोड एडी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि समझ लीजिए कि गोड की प्राइसिंग समझ लीजिए कि लो है या फिर फीचर्स हैं सिक्योरिटी वाले वो उनको ज़्यादा मैटर करते हैं तो किसी ने गोड एडी का परचेज कर लिया किसी ने बिग रॉक का परचेज कर लिया लेकिन आप दोनों के एफिलिएट हैं और कोई भी परचेस करे चाहे बिग रॉक को परचेज करे या गोडेडी की होस्टिंग परचेस करे आपको उसका कमीशन मिल रहा है तो आपने कंपेरिजन आर्टिकल बहुत ही इन डेप्थ कवर कर लिया और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराई और दोनों में से कोई भी परचेस करे आप उसका कमीशन अर्न कर रहे हैं तो नेक्स्ट होता है सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस का रिव्यू करना होता है जैसे कि समझ ली यहाँ पे एप्पल मैकबुक प्रो थर्टीन इंच वाला जो लैपटॉप है उसका रिव्यू आपने इन्होंने कवर किया है तो इस रिव्यू में उन्होंने कैसे कवर किया हम देखते हैं जैसे टेक रेडार का रिव्यू है तो इन्होंने इस लैपटॉप का पूरा कवर किया कि पहले शॉर्ट में इन्होंने समरी दिखा दी टू मिनट्स में कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर कर लिया तो इन्होंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन के बाद प्राइस प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में कि प्राइसिंग क्या है इस सर्विस मतलब जो लैपटॉप है इसकी प्राइसिंग क्या है उसके बाद इन्होंने डिटेल में बता दिया प्राइसिंग में क्या है और फिर फोटोज बार बार इन्होंने इंक्लूड किए कि क्योंकि जो लैपटॉप है फोटोज भी देखनी होती है फिर स्पेसिफिकेशन दिखा दी इन्होंने मैं जूम कर देता हूँ इसको इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिखा दी कि सी कौन सा है ग्राफिक में क्या मिल रहा है रैम कितनी है एट जी रैम है स्क्रीन साइज क्या है स्टोरेज क्या है कनेक्टिविटी कैमरा वेट वगैरह सब कुछ फिर डिज़ाइन के बारे में इन्होंने डिस्कशन कर लिया पूरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन के बारे में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए जो यूज़र को पता होना चाहिए जो परचेज़ करना चाह रहा है आप कोई भी बड़ा लैपटॉप या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा देखना चाहते हैं कि वो वर्थ इट है कि नहीं है तो सारी चीजें आप देखते हैं तो रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू आप उसको रीड करना पसंद करते हैं तो सब कुछ इन्होंने इन डेप्थ कवर कर लिया अब जैसे कि ये बहुत क्लोज फोटो दे दी इन्होंने कीबोर्ड कैसा दिख रहा है यहाँ पर और फिर बेंच मार्क्स दिखा दिए परफॉर्मेंस जब मैटर बहुत करता है जब समझिए आप कोई सॉफ्टवेयर को रन करना आपको अपने सिस्टम पर तो उसके लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है तो उसके लिए आप परफॉर्मेंस का इन्होंने रिव्यू लिख दिया कि डिटेल में कि अगर ये पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है और कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो परफॉर्मेंस कैसा रहता है देन बैटरी लाइफ कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कितने टाइम तक लैपटॉप चलता है तो इस टाइप से फिर लास्ट में दिखा दिए बाई इट इफ़ तो कुछ पॉइंट कवर कर लिए कि आप इसको तब परचेज़ करिए अगर ये पॉइंट्स हैं और इसको अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो परचेज़ मत करिए तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से यूज़र्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट लिखा है तो और फिर होता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आप बहुत बार देखते हैं कि टॉप टेन समी के टॉप टेन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस या फिर टॉप टेन की वर्ड टूल्स तो आपको लगता है कि टॉप टेन बस दिखा रहे हैं हमको बस वैल्यू प्रोवाइड कर बट ऐसा दिखेंगे नहीं जैसे कि एक टॉपिक है ट्वेंटी नाइन बेस्ट वर्ड प्रेस मल्टीपर्पज थीम्स तो वेबसाइट होती है उनके लिए बेस्ट वेबसाइट्स बेस्ट थीम्स कौन सी यूज कर सकते हैं आप जैसे डब्ल्यू वेबसाइट देखी होगी बहुत बार तो इनका आप देखेंगे ना तो वेबसाइट वेबसाइटी बेस्ट थीम्स है वो दिखाई हैं तो यहाँ पे स्टार्ट किया बिल्डिंग तो में है कि राइट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज करना है तो यहाँ पर भी इन्होंने एक दूसरा आर्टिकल इंटरलिंकिंग कर दी देन वेब होस्टिंग लेने के लिए वेब होस्टिंग को क्लिक आ, लिंक कर दिया ब्लू होस्ट है तो ब्लू होस्ट का अगर ये अफिलियेट बने हुए तो ब्लू होस्ट की अफिलियट लिंक यूज कर लिया अगर किसी को होस्टिंग लेनी है पहले वेबसाइट बनेगा थीम लेगा उससे पहले होस्टिंग तो इन्होंने होस्टिंग ब्लू होस्ट को रिकमेंड कर दिया तो या ब्लू होस्ट को कोई होस्टिंग लेता है तो इनको बेनिफिट हो जाता है फिर इन्होंने थीम दिखाने शुरू किया एस्ट्रा तो ये एस्ट्रा थीम के अगर बने हुए तो एस्ट्रा थीम भी अगर कोई लेता है तो थीम्स है कोई भी थीम अगर आप एक भी यहाँ से कोई परचेज कर लेता है जाकर तो इनको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है और प्रॉफिट मिल जाता है ट्राफिक तो आ ही रहा है इस पे तो फिर एस्ट्रा थीम को इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है फिर डी थीम को ओशन डब्ल्यूपी तो ऐसे करके ट्वेंटी नाइन थीम्स को अच्छे से उनका रिव्यू किया है अच्छे से उनको बताया है कि इनके फीचर्स क्या है रिमिटेशन्स क्या है और किन वेबसाइट्स के लिए बेस्ट है ये तो अच्छे से रिव्यू जो जो यूज़र है उसको वैल्यू मिल गई कि मेरे वेबसाइट के लिए सही है कि नहीं ये थीम वहाँ से उनको आइडिया मिल गया लिंक दे दी कि थीम को आप डेमो देखना वो भी देख लो और एफिलियट लिंक यूज़ कर ली तो ये होता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स वाली होती है वो रिव्यूज़ होते हैं और जो भी प्रोडक्ट रिव्यू लिखेंगे उसमें जो जो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए आपको वो हम देख लेते हैं फर्स्ट की ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए आपका आप ऐसा मत ऐसा सोच के मत लिखिए कि मुझे बस कमीशन अर्न करना है इसलिए कोई भी प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव रिव्यू लिख दूँ मैं समझ लीजिए कोई सस्ते प्रोडक्ट होते हैं जिनको यूज़र लेके खुश नहीं होता है आपने भी यूज़ भी नहीं किया है बट आपने क्या किया कि उसको आप अफिलियट बन गए उसको प्रमोट कर दिया आपने अब आपके थ्रू किसी ने परचेज भी कर लिया कमीशन मिल गया लेकिन वो खुद यू हैप्पी नहीं है तो आपके जो नेक्स्ट टाइम जो है उसको आपकी वेबसाइट पे कोई रिव्यू पढ़ना पसंद नहीं करेगा तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू लिखना है जिससे कि यूज़र को सच में लगे कि मैंने इसका रिव्यू पढ़ा और मुझे वैल्यू और जो भी जो भी मैंने परचेज़ किया वो वर्थ इट था और तो नेक्स्ट टाइम भी कुछ होगा तो आपके रिव्यूज़ पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए कि बुक रिव्यूज़ लिखता है कोई बुक रिव्यूर्स जो होते हैं सारी बुक्स को अगर फाइव स्टार रेटिंग देते चले जाएँ और किसी ने समझ ली परचेज की और वो बुक टू स्टार के लाइक भी नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम उसके रिव्यूज़ पढ़ के कोई बुक परचेज़ नहीं करेगा जो अच्छे जो ऑनेस्ट रिव्यू लिखते हैं उनकी वो रिकमेंड करेगा प्रीफर करेगा तो यूज़ द प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आप यूट्यूब चैनल से बहुत होंगे जो देखते होंगे आपकी वो प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं जैसे कि टेक्निकल गुरु जी है तो प्रोडक्ट को आपको दिखाते हैं कि कैसे इनका परफॉर्मेंस है यूज़ करके दिखाते हैं तो आपको भी प्रोडक्ट को यूज़ किया हो यूज़ करके जैसे बिग रॉक वैसे गोडेडी का था तो अगर दोनों सर्वर किसी ने यूज़ नहीं किया तो परफॉर्मेंस की एनालिसिस कैसे करेगा आप सिर्फ रिसर्च करके या फिर अपने मन से आप लिख देंगे तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे और आपको ऑडियंस में ऑडियंस को माइंड में रखना है कि ऑडियंस को वैल्यू मिले और ऑडियंस कोई परचेज करे आपके थ्रू तो उनको ऐसा नहीं लगे कि मुझे नुकसान हो गया इस रिव्यू को पढ़कर और प्रोडक्ट रिव्यू जो लिखते हैं ना हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्रमोशनल कंटेंट नहीं लिखना चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आप इस सर्विस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं आप बार बार ऐसा मत बोले कि इसको परचेस कर लीजिए ये बेस्ट है और सब कुछ ये सब चीज़ें जैसे आप अपनी वेबसाइट पर जब एड कॉपीज वगैरह लिखते हैं तो प्रमोशनल कॉन्टेंट लिखते हैं तो ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ में नहीं लिखनी है आपको जेन्यनली एक इंफॉर्मेटिव वे में करना है और नेचुरली लिंक को यूज करना है और जो रिव्यूज हैं वो इनडेप करना है जैसे कि हमने बिग गोडेडी और बिग रॉक का देखा था उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव आर्टिकल लिखा एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जो भी फीचर्स थे जिसकी सिक्योरिटी फीचर्स दोनों के क्या है तो अच्छे से उसको कवर किया था बाकी अप टाइम डाउन टाइम था सपोर्ट था सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया था कि जो यूजर आया उसको सारी चीज़ों का उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और प्रोज एंड कॉन्स मतलब बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज जैसे कि हमने बैकबुक का देखा था अभी तो उसमें लास्ट में उन्होंने क्या दिखाया कि अगर आप परचेज उन लोगों को करना चाहिए या फिर किन लोगों को नहीं करना चाहिए दोनों का दिखाया तो जो आप ऑडियंस हैं उनको अगर लास्ट के पॉइंट्स में मिल गया कि मेरा पर्पज़ यह और ये पर्पस सोल्व नहीं हो रहा तो मैं परचेज नहीं करूं और और ये जैसे कि वन लैख प्लस लैप वन लैक प्लस कॉस्ट का लैपटॉप है और लास्ट में प्रोसिन कौन सा अगर नहीं हो और कोई परचेज़ कर ले उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाए तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो ये चीज़ आपको कवर करनी है प्राइसिंग का कंपेरिज़न प्राइसिंग दिखाना इंपॉर्टेंट है और प्राइसिंग आपको अपने कंटेंट को अपडेट भी करते रहना क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत बार इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो आप रेगुलरली समझ लीजिए कि एक क्वार्टर या तीन चार महीने बाद आप देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कोई प्राइसिंग में चेंज तो नहीं है तो कॉन्टेंट आपका अपडोट अप टू डे डेट रहता है और राइट वैल्यू आप जो कॉन्टेंट से प्रोवाइड करा पाते हैं देन विजुअल एलिमेंट्स विजुअल एलिमेंट्स का मतलब जैसे कि आप इमेज यूज़ कर ली कोई वीडियो था वो यूज़ कर लिया जैसे उन्होंने मैकबुक प्रो का था तो बहुत सारी अलग अलग एंगल से इमेजेस दिखा दी थी कि कितना स्लिम है या फिर कीबोर्ड बोर्ड बैकलिट वाला है कि नहीं है स्क्रीन साइज कैसी है सब कुछ इन्होंने विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू शो किया था वो आपको भी करना है लास्ट में आपको या फिर स्टार्टिंग में आपको रेटिंग देनी है कि फाइव स्टार में से दे रहे हैं तो फाइव में से फोर पॉइंट फाइव दे रहे हैं या फोर रेटिंग है आपकी तो ऑनेस्ट जो रेटिंग है वो आपको इंक्लूड करनी है वहां पर अब देखते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू लिखना कैसे है

जिससे वो उनको लग जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो मेरे लिए ही है देन इंटरेस्टिंग डिटेल्स कुछ है उस प्रोडक्ट के बारे में तो वो इंक्लूड करनी है आपको देन जो मैन बॉडी पे आते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये सब चीज़ कवर कर ली उसके बाद मैन बॉडी पे फिर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट के बारे में फ़ीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो भी है उस प्रोडक्ट के वो दिखाने हैं आपको बेनिफिट्स क्या है किसके लिए सही है ये प्रोडक्ट वो दिखाना है डिसअॉइंटमेंट जैसे आपको प्रोडक्ट यूज़ किया आपको नेगेटिव पॉइंट्स क्या लगे वो भी इंक्लूड करने हैं ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहे हैं हर प्रोडक्ट ऐसा होता है कि, कि किसी के लिए वर्क करता है किसी के लिए नहीं करता है चाहे स्किन प्रोडक्ट्स की बात भी कर लें तो कोई स्किन प्रोडक्ट है वो किसी के लिए वर्क करेगा और किसी के लिए नहीं भी करेगा और कोई वेब होस्टिंग सर्विस है तो समझ लीजिए कि, कि किसी ने लिया तो उस पर ऑडियंस ज़्यादा आ रही है और तो उसको सर्वर अप टाइम ज़्यादा मैटर करता है तो कुछ प्रॉस होंगे कुछ कॉन्स होंगे तो दोनों आपको इंक्लूड करने हैं और प्राइसिंग दिखानी है और आपको बात करनी है जैसे समझ लिए कि लैपटॉप एक लाख का लैपटॉप है तो आपको लास्ट में दिखाना है कि ये वर्थ द प्राइस है कि नहीं मतलब एक लाख के लाइक है कि नहीं वो चीज़ तो ये आपको अपने जो थाट्स है अपना ओपिनियन है वो आप कवर करना है अच्छे से और रेटिंग देनी है देन आपको क्लोज करना है उसको रिव्यू को कंक्लूड कैसे करना है तो आप पहले आपने अपना जो ओपिनियन है वो लास्ट में कवर कर लिया कि आपका आप क्या सोचते हैं सर जैसे स्टार्टिंग में बीच में तो आपने ये दिखा दिया कि स्पेसिफिकेशन क्या है बेनिफिट्स क्या है जो भी चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में थी डिटेल्स वो आपने दिखा दी अब आपकी बात आती है ओपिनियन आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर तो वो यूज़ कर लिया आपने फिर समराइज कर दिया फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन जैसे किसी को परचेज करना रहा वो कन्विंस हो गया उसे तो आपने कॉल टू एक्शन या लिंक्स या फिर बटन कुछ भी यूज़ किया तो वहाँ पे जाके जैसे अमेजन के लिंक दे दिया आपने तो अमेजन के अफिलियट बने हुए हैं तो से परचेज करता है कमीशन तो से आप बहुत सारी चीजें जो में एक अच्छा लिख सकते हैं। और अलग तरह के, आप जैसे के था वाले तो कुछ है पे आपको वाले लिखो कुछ जो लिस्ट वाले आर्टिकल्स हैं वो लिखो कुछ सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज लिखो सारे एक जैसे मत लिखो और जैसे क्या होता है कंटेंट में भी वैरायटी होती है आप भी कंटेंट लिखते बोर नहीं होते प्लस कंटेंट जो आपकी ऑडियंस है उनको भी अलग अलग वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलता है और गूगल पे रैंकिंग में जैसे लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होते हैं लिस्ट वाले जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी रैंक करते हैं तो जैसे कि टॉप टेन आपने दिखाया टॉप टेन वर्ड प्रेस थीम्स टॉप टेन वेब बोस्टिंग सर्विसेज तो इस टाइप से भी आप कंटेंट बनाओ और जो अफिलियट बनाओ उनके अफिलियट की राइट right लिंक यूज़ करो और ऑनेस्ट होना चाहिए आपका जो रिव्यू है क्योंकि अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कुछ टाइम तक आपका ब्लॉग चल जाएगा या आपकी वेबसाइट जो भी है चल जाएगा लेकिन अगर जैसे कुछ लोग करते हैं इंस्टाग्राम पर भी इन्फ्लुएंसर करके लोगों को मैसेज करते हैं अफिलेट लिंक यहाँ से ये परचेज़ कर सकते हो आप और लेकिन अगर सबको कर रहे हैं और को कोई परचेज कर भी रहे हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है आपके ब्लॉग के कॉन्ट परचेज करने के बाद आपकी रिकमेंडेशन से तो फिर आपके नेक्स्ट टाइम जब होगा तो कोई भी चीज होगी तो आप आपसे आपको प्रिफर नहीं करेगा जैसे हमने बुक रिव्यूज़ का एग्जाम्पल लिया था बार बार हम अच्छी सारी बुक्स को अच्छी रेटिंग दे रहे क्योंकि आपको उसको पे कर रहा है आपको तो लेकिन बुक रिव्यूज़ कर रहे हैं और लोग जो बुक को पढ़िए कन्विंस नहीं उनको लग नहीं रहा कि फाइव स्टार की वर्थ था तो फिर बाद में जो नेक्स्ट टाइम कोई बुक परचेज करेगा तो आपके रिव्यूज को नहीं पड़ेगा किसी और के रिव्यूज को पड़ेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि ऑनेस्ट होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए सारी चीजें डिटेल में कवर होनी चाहिए और लास्ट में आपको कंक्लूड करके अच्छे से अपनी लिंक्स इंक्लूड करनी है इस तरह से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं आप थैंक यू